को दोस्तों आपको बता दी, ये फुटओवर ब्रिज को ये हटाया जा रहा है इस रास्ते से, और ये देख सकते हो ये पायल किया जाता है इस तरीके से। ये पायल हो चुका है, इस पर अभी फाउंडेशन बनाया जाएगा। जैसे कि ये फाउंडेशन बनाया गया है, देख सकते हो ये सारे पिलर बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। और ये नज़ारा है गीता कॉलोनी, यहाँ से स्टार्ट हो जाती है गीता कॉलोनी, स्टार्ट हो जाती है यहाँ से। अब दिखाते हैं आपको इधर का नज़ारा। तो देखो ये चौड़ा करने का काम चल रहा है, ये देख सकते हैं ये चौड़ा करा जाएगा। तो चौड़ा किया जा रहा है किस तरीके से, देखो ये हटाया जा रहा है ये क्रेन मशीन द्वारा। और देखो कुछ ये नज़ारे हैं यहाँ के दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे के, क्योंकि यहाँ से ये पिलर बनते हुए चले जा रहे हैं गांधीनगर के लिए, गीता कॉलोनी गांधीनगर। देख सकते हो इन पर, इस पर फाउंडेशन का काम होना, इन पर फाउंडेशन बन चुका है, इन पर अब कंक्रीट भरा जाएगा बस, और कंक्रीट भर के फिर ये कंप्लीट हो जाएगा गाइस। तस्वीरें देख सकते हो, और ये यमुना रिवर का नज़ारा है, और ये गौशाला है यहाँ का, तस्वीरें देख सकते हो आप लोग। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए के पी संत को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और देख सकते हो वो गाटर रखे हुए हैं उस साइड में, उधर वो गाटर रखे हुए हैं। तो चलो मैं इधर का भी दिखा देता हूँ आप लोगों को एक बार कि इधर क्या नज़ारे हैं। देखो ये कुछ इस तरीके से हटाया जा रहा है, इसको हटा दिया जाएगा। तो ये है नज़ारे यहाँ के कुछ इस तरीके से। ये रोज़ को रोड को चौड़ा भी किया जा रहा है, और इसके बीच में ये पिलर भी बनाए गए हैं, क्योंकि ये यहाँ पर उतर जाएगा फिर ये ग्राउंड लेवल पर आ जाएगा। तो ये है कुछ नज़ारे यहाँ के, और इस तरीके से ये देखो इसको ख़त्म किया जा रहा है, हटाया जा रहा है इसको, इस फुटओवर ब्रिज को हटा दिया जाएगा बिल्कुल ही। ये देखो वर्कर लगे हुए हैं। तो चलो चलते हैं आगे, दिखाते हैं चल के आप सभी को। ये गीता कॉलोनी का फुटओवर ब्रिज है, देख सकते हैं इसका जो टीन सेट था वो उतारा जा रहा है, फिर इसको नीचे से भी हटा दिया जाएगा, फुटओवर ब्रिज को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा। और ये जो जगह है वो है गीता कॉलोनी गाइस, और यहाँ पर देख सकते हो कि इस पर रोड भी चौड़ा किया जा रहा है, और बीच में इस पर पिलर भी बनाए जा रहे हैं। तो ये बीच में ये आ रहा था फुटओवर ब्रिज, इसको हटा दिया जाएगा, फिर इस पर फाउंडेशन का काम चलेगा। तो आप लोग ऐसे ही इंजॉय करते रहो वीडियोस को। और आगे आने वाला है गांधीनगर, गांधीनगर की जो रेड लाइट थी वो भी ख़त्म कर दी जाएगी अब, क्योंकि देख सकते हो ये रखे हुए हैं गाटर। ये गाटर जब इन पे ये पिलर बिल्कुल बन के कम्प्लीट हो जाएंगे, फिर इस पे पिलर कैप का काम किया जाएगा। पिलर कैप बन जाने के बाद में फिर इस पे ये गाटर लॉन्चिंग की जाएगी, और गाटर लॉन्चिंग हो जाने के बाद में तो आपको पता ही है बहुत तेज़ी के साथ में काम होता है। फिर इस पर फ्लोरिंग किया जाएगा, फ्लोरिंग करके इस पर ब्लैक टॉप कर दिया जाएगा गाइस। तो आगे आप लोगों को रेड बत्ती देखने के लिए मिलेगी गांधीनगर की, वो भी आप बने रहिए वीडियो के साथ में, और एंड तक देखना, बहुत कुछ आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। आपको बता दूं गाइस कि जो हमने पिछले वीडियो आप लोगों को दिखाए थे उन वीडियो से, और आपके वीडियो जो आ रहे हैं इस पर आपको बता दूँ, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पर इतनी तेज़ी के साथ में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, बहुत तेज़ी के साथ में, क्या ही बताएं आपको। क्या आपको बता दूं कि सन 2023 के लास्ट तक इसको हैंडओवर कर दिया जाएगा दोस्तों एनएचआई को, और एनएचआई और उनकी टीम को भाई साहब सलाम है, जो इतनी तेज़ी के साथ में वर्क इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को बनवाया जा रहा है। क्योंकि आज की डेट में इतना ज़्यादा इस पर ट्रैफिक रहता है इस रूट पर, तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए ये दिल्ली के अक्षरधाम से स्टार्ट होगा, और ये देहरादून जाके एंड हो जाएगा 220 किलोमीटर का ये पूरा एक्सप्रेसवे होने वाला है गाइस, और एक्सेस कंट्रोल्ड ये एक्सप्रेसवे होगा। और ये आपको बता दूं कि दिल्ली में 5 एंट्री पॉइंट इसमें दिए गए हैं जहाँ पर हैं, और देख सकते हो ये सामने, आपको बता दूं ये है पुराना ब्रिज
जब अंग्रेजी शासन ने बनवाया था ये पुराने ब्रिज को, और वो सामने चमक रही है आपको, देखिए ये मालगाड़ी जा रही है और ये 150 साल पुराना हो चुका है इस रिवर पे, ये यमुना रिवर पे ये पहली बार बनाया गया था अंग्रेजी शासन द्वारा ये बनवाया। यह है दिल्ली का पुराना ब्रिज, देख सकते हो ये 150 सालों से बना हुआ है और इसके बगल में ही अब बनाया जा रहा है। देखो ये जा रही है मालगाड़ी, ये देख सकते हो, और ये है गांधीनगर, इधर ये सादरा है, उधर ये लाल किला आ जाता है इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद में। तो चलो चलते हैं, और इसके ऊपर से ही निकलेगा इस तरीके से ऐसा ब्रिज, ये द्वारका एक्सप्रेस वे इस तरीके से ऐसा ऊपर होकर निकलेगा। तो हम चलते हैं यहाँ से पुराना, और इसका मैंने वीडियो बनाया है और आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो देख लेना, नीचे है रेड कलर का बटन, उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो। क्या देंगे आज तक बैल के। इस पुराने ब्रिज से भी देखो रास्ता दिया गया, और आगे से पुराने ब्रिज को ये देखो, ये जो बैलगाड़ी जा रही है ये पुराने ब्रिज के अंदर से ही निकलेगा बाहर जाके उधर लाल किले की साइड में गई। और आपको बता दूं यहाँ से निकलते हुए ये हम निकलेंगे जाके आगे शास्त्री पार्क, और शास्त्री पार्क वाली जो जगह है पुस्ता रोड उस पर भी अभी कंस्ट्रक्शन वर्क तेज़ी के साथ में हो रहा है, क्योंकि ये देखो नया ब्रिज बनाया जा रहा है। और यहाँ से हम चल रहे हैं ये सादरा की साइड में, अब चलना स्टार्ट हो गया हमारा। अगर हम इस पर ब्रिज पर जाते लोहे के पुराने ब्रिज पर तो हम निकलते जाके पुरानी दिल्ली में, वहाँ से पुरानी दिल्ली स्टार्ट होता है, लाल कुआ लाल किला भी स्टार्ट हो जाता है। तो हम चलेंगे शास्त्री पार्क की साइड में, फिर आप लोगों को दिखाएंगे और बताएंगे। आ चुके हैं हम पुस्ता रोड, ये देखो, और इस पर हम चलेंगे, इस पर भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुका है जो कि पहले नहीं था स्टार्ट, अब हो गया है। तो दिखाते हैं चल के आगे आप लोगों को। यहाँ से गाइस देख सकते हैं ये पुस्ता रोड स्टार्ट हो चुकी है, मतलब कि शास्त्री पार्क स्टार्ट हो चुका है, ये पुस्ता रोड है। तो आगे आप लोगों को कंस्ट्रक्शन देखने के लिए मिलेगा, और इसमें सेफ्टी बोर्ड भी आप लोगों को आगे देखने के लिए मिलेंगे, सेफ्टी बोर्ड लगा दिए जा चुके हैं। पहले ये काम इस पर बंद था इस रूट पे, यहाँ पे इस जगह, तो देख सकते हैं ये सेफ्टी बोर्ड लगा दिए इन्होंने, और पाइलिंग मशीन वो लगी हुई है, पाइल कर रही है, और यहाँ पर अब पाइलिंग नीचे ज़मीन में गड्ढे किए जा रहे हैं, फिर उनके अंदर रिंग डाला जाएगा, रिंग डालने के बाद में फिर इस पर फाउंडेशन बनाया जाएगा, फाउंडेशन बना देने के बाद में इस पर पिलर ऊपर खड़ा कर दिया जाएगा, और ऊपर पिलर खड़ा करने पर उस पर रिंग लगाए जाएंगे, रिंग लगाए जाने के बाद में उसमें कंक्रीट भरा जाएगा, कंक्रीट भर देने के बाद में पिलर कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद हमें इस पर पियर कैप बनाया जाएगा, पियर कैप बनाने के बाद में इस पर गाटर लॉन्चिंग की जाएगी, गाटर लॉन्चिंग हो जाने के बाद में इस पर फ्लोरिंग किया जाएगा, और फ्लोरिंग हो जाने के बाद में फिर इस पर ब्लैक टॉप कर दिया जाएगा और स्ट्रीट लाइट लगा दी जाएंगी दोस्तों। तो यही नज़ारे हैं, और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और ऐसे ही वीडियोस केपी संत के चैनल पर देखते रहो पर डे। तो देख सकते हो फाउंडेशन का इस पर काम चल रहा है, और ये जा रहा है सादरा, ये हाईवे है, ये क्या नाम है सादरा का, और इसका ISBT के लिए ये चला जाएगा लेफ्ट में, और राइट में चला जाएगा सादरा के लिए। तो यहाँ पर ये फ्लाईओवर बनाया गया है शास्त्री पार्क पे, और देख सकते हो शास्त्री पार्क आप वो बता दो इस फ्लाईओवर से इधर इधर का है, जब हम इस फ्लाईओवर के उधर निकल जाएंगे तो ये खजूरी पुस्ता स्टार्ट हो जाएगा, तो इसको क्रॉस करवाया जाएगा ऊपर से, इस पर भी क्रॉस करेगा, देख लेना आप लोग। तो अभी बने रहिए, जब तक ये बन के कम्प्लीट नहीं हो जाएगा तब तक केपी संत के चैनल पर ऐसे ही वीडियोस डेली देहरादून एक्सप्रेस वे के आते रहेंगे आप लोगों के बीच में। तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो हमारे वीडियोस को गाइस। तो आगे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर भी एक एंट्री पॉइंट बनाया जा रहा है, वो आप लोगों को आगे देखने के लिए मिलेगा गाइस। तो देख सकते हैं ये भजनपुरा लोनी, और ये दे रखा है इधर, देखो यहाँ पर भी ये साइड में पिलर बना दिए जा चुके हैं,
ये देख सकते हो यहाँ से ये स्टार्ट हो जाता है एंट्री पॉइंट। इसका फाउंडेशन अभी कंप्लीट हुआ, देख सकते हैं ये पानी चल रहा है इसमें, ये देखो कुछ इस तरीके से, पर ये चला जाएगा सातरे की तरफ। पर यहाँ पर इनका ये है गाटर बनाए जा रहे हैं इस टाइम पे, क्योंकि यहाँ पर इन्हें रास्ता देना है अंडर, क्या नाम है, एंट्री पॉइंट है। देखो ये कुछ इस तरीके से ये बनाए जाते हैं गाटर, ये देख सकते हो टीम लगी हुई है गाटर बनाने में, क्योंकि यहाँ से इनको चढ़ने उतरने के लिए पॉइंट दिया जाएगा। दोस्तों तस्वीरें देख सकते हो, एक वो पिलर है और एक ये पिलर है, तस्वीरें देख सकते हो कि यहाँ पर बीच में ये गाटर घेरा जाएगा, क्योंकि ताकि इधर से भी चढ़ा जाएगा ऐसे इस तरीके से। दोस्तों यहाँ पर शास्त्री पार्क पे एंट्री पॉइंट बनाया जा रहा, तो इसलिए दोनों साइड में इसमें पिलर दिए गए हैं, इस साइड में भी पिलर हैं और राइट साइड में भी पिलर हैं, देख सकते हो ये है फ्लाईओवर, और इसी फ्लाईओवर से यहाँ पर ये एंट्री पॉइंट दिया जा रहा है। तो इधर भी पिलर आप लोगों को, उधर भी पिलर देखने के लिए जो पाइलिंग की जाती है उसके देखो रिंग ये नीचे रखे हुए हैं सामने, ये रिंग डाले जाते हैं ज़मीन के अंदर, इसमें कंक्रीट भरा जाता है, फिर उसके बाद में फाउंडेशन बनाया जाता है, जैसा कि ये अभी आप लोगों ने देखा पिलर को, इसी तरीके से ये फाउंडेशन बनाया जाता है, फिर ऊपर पिलर ये खड़ा किया जाता है। तो आप लोगों को बता दूं कि कितनी मजबूती के साथ में इस पिलर को खड़ा किया जाता है ऊपर, तब इतना वजन ये झेलता है गाइस। तो ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस केपी संत के चैनल पर आप सभी देखते रहो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहो हमारे वीडियोस को। तो आपको बता दो कि ये यमुना रिवर का पानी है मेरे लेफ्ट हैंड पे, तो अभी इसको भी इस दीवार को तोड़ा जाएगा, इसको चौड़ा किया जाएगा, अभी तो देख सकते हैं अभी फाउंडेशन बनाया है इन पे, फाउंडेशन बनाया जा रहा है और पिलर भी खड़े कर दिए गए हैं। तो आगे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि इसके पियर कैप भी बनाया जा रहा है आगे, तो मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था जो पहला पियर कैप था वो तो बन के कम्प्लीट हो गया है, तो उस पर अभी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो देख सकते हो जैसा कि इस दीवार को तोड़ के देखो, ये एक्सपेंशन का काम चल रहा है रोड का, तो अभी एक साइड में ही चल रहा है, दूसरी साइड में अभी चलेगा। तो देख सकते हो ये पिलर में कॉन्क्रीट भरा जा रहा है, ये मशीन लगी हुई है, तस्वीरें आप लोग देख सकते हो दोस्तों देखो, और ये पानी की लाइन जा रही है यहाँ से दिल्ली में, और ये आ रही है आपके सहारनपुर की साइड से, ये पानी की लाइन, ये साफ पानी होता है। तो आप देखो कि फाउंडेशन किस तरीके से बनाया जाता है, कै पिलर पर बनाया गया है फाउंडेशन, आप अपनी आंखों से देख सकते हो। देखो ये चार पिलर ज़मीन के नीचे बनाए गए हैं, फिर उसके बाद में एक पिलर ऊपर खड़ा किया जाएगा ग्राउंड लेवल पर। तो देखो अभी इससे तोड़ा जा रहा है नीचे का फाउंडेशन का जो पिलर है, इसके सरिये निकाले जाएंगे, फिर सरिये निकालने के बाद में ये मिट्टी को साफ किया जाएगा, साफ करने के बाद में फिर इसका फाउंडेशन बनाया जाएगा, यानी कि सरियों का जाल इस पर लगाया जाएगा, जब इस पर फाउंडेशन बनाया जाएगा, फाउंडेशन बनने के बाद में जैसे ये पिलर खड़ा है ऊपर, ऐसे ही पिलर को खड़ा कर दिया जाएगा, यानी कि फाउंडेशन बन जाएगा। बन जाने के बाद में देखो ये सारे पिलर ऊपर फाउंडेशन बन के कम्प्लीट हो गए हैं, अब इन पर रिंग लगाए जाएंगे, और रिंग लग जाने के बाद में फिर इसमें कंक्रीट भर दिया जाएगा, और कंक्रीट भर देने के बाद में पिलर ये कम्प्लीट हो जाता है, फिर इस पर पियर कैप बनाया जाएगा। तो पियर कैप किस तरीके से बनाया जाता है वो आप लोगों को आगे देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि जो भी इसमें कंपनी कर रही है वो अपने तरीके से इसमें पिलर का स्ट्रक्चर बनाती है, कहीं दूसरे पिलर का है कहीं अलग पिलर है, तो इसमें दोनों साइड के इसमें पिलर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। जो कंपनी है यहाँ पर ये है गभार कंस्ट्रक्शन द्वारा इस वर्क को कर किया जा रहा है, और NHAI द्वारा इस हाईवे को बनाया जा रहा है, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को बनाया जा रहा है भाई, देख सकते हो कि इस तरीके से ये पियर कैप बनाए जा रहे हैं, और ये जो जगह है वो है खजूरी पुस्ता, और शास्त्री पार्क निकल जाने के बाद में जब हम खजूरी के लिए चलेंगे, खजूरी से पहले ही ये खजूरी पुस्ता पड़ता है, वहीं पर ये पियर कैप का काम चल रहा। तो देख सकते हो ये पियर कैप का फाउंडेशन बनाया जा रहा है, देखो
सरियाओं का कितना बड़ा जाल भाई साहब, सरिया सरिया इसमें लगे होते हैं, सरिया और कंक्रीटिंग की मदद से ही ये बनाया जा रहा। और ये सिक्स लेन का ये एलिवेटेड एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होने वाला है दोस्तों। तो दिल्ली के अंदर 5 इसमें एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट दिए जा रहे हैं दिल्ली के अंदर गए, और उसके बाद में तो बहुत सारे हैं। तो देख सकते हो ये फाउंडेशन पियर कैप का ही लगाया जा रहा है, इस पर सेटिंग लगाई जा रही है। देखो किस तरीके से फाउंडेशन बनाते हैं, वो आप लोग अपनी आँखों से देख सकते हो। तो इस पर भी देख सकते हो, इस पर भी ये फाउंडेशन बनाया जाएगा। तो इस पर अभी ये वर्क चल रहा है, देखो ये हटाए जा रहे हैं, इन पर मतलब कंक्रीट किया जा भरम, ये पिलर को कंप्लीट किया जाता, कंक्रीट किया गया था, तो इस वजह से। तो चलो आप लोग इंजॉय करो और मिलते हैं अभी आगे, आप लोगों को दिखाएंगे। तो आगे खजूरी पड़ेगा, और देख सकते हो सारे पिलर का ये फाउंडेशन बन के और स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया है पिलर का। तो अभी देख सकते हो इनमें कहीं कहीं रिंग लगाए जा रहे हैं, देखो रिंग, इसमें रिंग लगा दिए, अब इसमें कंक्रीट भरा जाएगा, और कंक्रीट भर देने के बाद में ये पिलर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें देखो अभी रिंग नहीं लगाए गए, इसमें रिंग लगा दिए जा चुके हैं, इसमें रिंग लग गए हैं, तो इसको बिल्कुल कंप्लीट कर दिया जाए, क्योंकि रिंग लग जाने से ना ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता, बिल्कुल सीधा हो जाता है। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, किसी भी पिलर में अभी कंक्रीट नहीं भरा गया है, और इसमें सारे में ही फाउंडेशन बना के पिलर का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जा चुका है। बस इसमें अब जैसे जैसे इसमें रिंग लगते जा रहे हैं, वैसे वैसे इसमें कंक्रीट भरते चले जा रहे हैं, पिलर कंप्लीट होता चला जा रहा है, और उधर पियर कैप का काम भी बनता हुआ चला जा रहा है। ये आ रहा है खजूरी की साइड में, ये पियर कैप बनाते हुए खजूरी की साइड में ही आ रहे हैं। तो अभी काफ़ी लंबा है, अभी काफ़ी दूर है खजूरी, तो आप लोग आगे देखने के लिए मिलेगा आप सभी को। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन, उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और ऐसे ही वीडियोज़ केपी संत के चैनल पर देखते रहो दोस्तों। तो देख सकते हो यहाँ से अब खजूरी थोड़ी सी ही दूर बचा हुआ है, तो यहाँ पर देख सकते हो दोनों साइड में ये पाइलिंग किया जा रहा है, बीच में भी पिलर रहेंगे और इसके साइड में भी पिलर रहेंगे, तो यहाँ से ये खजूरी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एंट्री पॉइंट दिया जा रहा है। तो इस वजह से दोनों साइड में पिलर देखने के लिए मिलेंगे, और ये मशीन
पाइलिंग मशीन ही खड़ी हुई है। तो इन्होंने किस तरीके से इसमें पाइल किया है तो वो आप लोगों को अभी आगे चल के दिखाते हैं, तो बने रहिए वीडियो के साथ में। और आप लोग बताना कि वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो फिर भी कमेंट करें, ख़राब लगा हो फिर भी कमेंट करें, क्योंकि यहाँ पर ये काम चल रहा है, वर्क चल रहा है अभी इस टाइम पे, टीम लगी हुई है, तो इसी वजह से ये स्लो डाउन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। खजूरी थी पहले, तो देख सकते हो ये पाइल मशीन कर दिया गया है, ये पाइल कर दिया गया है। और यहाँ पर देखो ये रेतारी जगह है, यहाँ पर अब देखो ज़मीन के अंदर चार पिलर हैं नीचे ज़मीन के, और चार पिलर पर फिर एक पिलर ऊपर खड़ा होगा ग्राउंड लेवल पर, जैसे कि ये वाले सामने के खड़े हुए हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर स्लो डाउन देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में।